हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल सॉफ्ट स्टडी गवर्नमेंट जॉब न्यूज़। दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश संविधान शिक्षक भर्ती परीक्षा से संबंधित हमारे 500 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर की सीरीज यहाँ पर चलाई जा रही है, जो कि संबंधित हमारे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र है। तो दोस्तों, इसके संबंध में क्लास 1 पहले अपलोड कर चुका हूँ, जिसे आप चैनल को विजिट करके देख सकते हैं या ऊपर आई बटन को भी क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय नहीं, चलिए आपको ले चलते हैं सीधे क्वेश्चन पर। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना अगली वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे देखा है सब्सक्राइब बटन, लाल बटन को क्लिक करना होगा और उसके बाद जो मैं एक बेल का आइकन बन के आएगा उसे भी आप क्लिक कर देंगे, तो मैं जब भी अगली वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो दोस्तों, चलिए क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों, 25वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। इससे पहले मैं 24 क्वेश्चन डिस्कस कर चुका हूं पहली क्लास में, उसे आप देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं 25वें क्वेश्चन के साथ। क्या लिखा हुआ है? धनात्मक अंतरण का तत्व निम्नांकित में कौन सा है? धनात्मक अंतरण का तत्व कौन सा है? तो दोस्तों, इसका आंसर है सीखने का अधिगम यहाँ पर धनात्मक अंतरण का तत्व है। क्वेश्चन नंबर 26, टॉलमैन के सिद्धांत में किस तरह के व्यवहार की व्याख्या पर बल डाला गया है? टॉलमैन के सिद्धांत में किस तरह की व्यवहार की व्याख्या पर बल डाला गया है? तो इसका आंसर होगा चवर्ण व्यवहार। दोस्तों, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले भी कोई परीक्षा में पूछे जा चुके हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27, पुनर्वलन से अप्रभावित होकर मात्र प्रशिक्षण के आधार पर अधिगमन की प्रक्रिया होती है, यह दावा किसका था? तो दोस्तों, यह दावा था इसका आंसर सर टॉलमैन का। दोस्तों, आपका जितना स्कोर बनता है उसे आप वीडियो के अंत में कमेंट कर सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो में कुछ कमी लगती है या फिर आपको पसंद नहीं आती है तो दोस्तों आप कमेंट कर सकते हैं और उस कमी को बता सकते हैं कि आपको क्या पसंद नहीं आया, तो मैं उसे अगली वीडियो में सुधारने की कोशिश करूंगा। शुरुआत अब देखते हैं प्रश्न नंबर 28। क्या लिखा हुआ है? पावलव ने अधिगम का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था वह है? तो इसका आंसर होगा अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत प्रतिपादित किया था पावलव ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से पूर्ण कारक बाद के नियमों में जो संबंधित नहीं है वह क्या है? विरूपता संबंधित नहीं है पूर्ण कारक बाद के नियमों से, ठीक है। और बाकी जो ऑप्शन दिए गए हैं ये संबंधित हैं। तो आपको प्रश्न नंबर 30 की ओर ले चलते हैं। यदि गणित का अधिगमन भौतिकी के अधिगम में सहायक हो तो यह शून्य स्थानांतरण, बलमवत स्थानांतरण, सकारात्मक स्थानांतरण, नकारात्मक स्थानांतरण क्या कहलाएगा, ठीक है। दोस्तों, तो यह कहलाएगा हमारा सकारात्मक स्थानांतरण, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31, सीखना है एक जटिल मानसिक प्रक्रिया, बौद्धिक प्रक्रिया, शारीरिक प्रक्रिया, नैतिक प्रक्रिया। तो दोस्तों, सीखना जो है एक जटिल मानसिक प्रक्रिया है, आप सभी को पता है, ठीक है। क्योंकि शारीरिक प्रक्रिया, इसमें किसी भी प्रकार की शारीरिक मेहनत नहीं लगती है। बौद्धिक प्रक्रिया, कोई बुद्धि संबंधित कार्य करते हैं, यहाँ पर मानसिक प्रक्रिया होगी, तो इसका सही आंसर होगा मानसिक प्रक्रिया, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर बात करते हैं 32वें क्वेश्चन की। भारत में बाल विकास की शुरुआत कब हुई थी? दोस्तों, भारत में बाल विकास की शुरुआत हुई थी 1930 में, यह बात आपको ध्यान रखनी होगी। और दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 33, विकास प्रारंभ होता है दोस्तों, गर्भावस्था से ही विकास प्रारंभ हो जाता है यहाँ पर, ठीक है। तो दोस्तों, इतनी स्पीड वीडियो में सही है क्वेश्चंस की या नहीं, यह भी आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, इसको स्लो करूं या फिर थोड़ा और फास्ट करूं क्वेश्चन को? दोस्तों, मैं यहाँ पर स्पीड में इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि अभी जो है हमारे पास समय बहुत ही कम है, तो यहाँ पर जल्दी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो आपका समय भी इसमें खराब नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। विकास के संबंध में सही कथन क्या होगा, ठीक है। कोई ऑप्शन नंबर यहाँ पर आ, विकास कुछ समय बाद रुक जाता है, विकास
वृद्धि सूचक होता है, विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है, और द यहाँ पर अगले पेज में आपको देखा तो इसका सही आंसर होगा सा, ठीक है, विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है, विकास संपूर्ण पक्षों में होने वाला परिवर्तन है। और यहाँ पर जो उसका द ऑप्शन था विकास का संबंध वाह परिवर्तन से है, ठीक है दोस्तों, तो उसका आंसर सा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35, विकास केवल एक ओर ना होकर चारों ओर से होता है, यह सिद्धांत बताता है। विकास केवल एक ओर से ना होकर चारों ओर से होता है, यह सिद्धांत क्या बताता है? ठीक है, समान प्रतिमान, क्रमबद्धता, सामान्य से विशिष्ट, वार्तुलाकार, ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा वार्तुलाकार, ठीक है, विकास बताता है वार्तुलाकार। क्वेश्चन नंबर 36, बाल विकास को प्रभावित करने वाला पहला प्रमुख कारक क्या है? बाल विकास को प्रभावित करने वाला पहला प्रमुख कारक क्या है? तो इसका सही आंसर होगा वंशानुक्रम बाल विकास को प्रभावित करता करने वाला पहला कारक है। वैसे ये सभी बाल विकास को प्रभावित करते हैं, वातावरण, समाज, राष्ट्रीय, सभी बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं, पर इसका जो पहला कारक है वो है वंशानुक्रम। क्वेश्चन नंबर 37, बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का है, ठीक है, बालक का विकास वंशानुक्रम व वातावरण का है, तो इसका आंसर होगा गुणनफल, इन दोनों में गुणनफल का संबंध होता है। क्वेश्चन नंबर 38, जीवन का सबसे कठिन काल है, जीवन का सबसे कठिन काल दोस्तों यहाँ पर किशोरावस्था को माना जाता है जीवन का सबसे कठोर काल, क्योंकि यही जो किशोरावस्था का समय होता है सबसे ज्यादा आपकी संघर्ष का समय होता है, ये आपकी ऐसी अवस्था होती है जिसे का आप उचित प्रकार से उपयोग कर अपने जीवन को सफल बना सकते हैं, और कुछ इसका दुरुपयोग भी करके अपने जीवन को विफल बना लेते हैं, तो आप उनका जो है अपने जीवन में उदाहरण देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं, बालक के अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? बालक के अस्थायी दांतों की संख्या कितनी होती है? तो यहाँ पर जो है 20 होती है बालक के दांतों की संख्या, और दोस्तों कुल यहाँ पर 32, ठीक है, कुल यहाँ पर 32 दांत होते हैं, 32 दांत यहाँ पर आपके बुढ़ापे में जब वृद्धावस्था का समय हो जाए तो लगभग 60 साल के बाद आपके कुल 32 दांत हो जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपके जो टोटल दांत यहाँ पर रहते हैं उनकी बात करें तो यहाँ पर आपके 28 दांत रहते हैं यहाँ पर 25 से 26 साल की उम्र तक, ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की, महिलाओं के जनन कोष में अर्थात अंडाणु में निम्नांकित में क्या पाया जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर महिलाओं के जनन कोष में अंडाणुओं में निम्नांकित में से क्या पाया जाता है, ठीक है, तो इसका आंसर होगा केवल एक्स गुणसूत्र पाए जाते हैं महिलाओं के यहाँ पर अंडाणुओं में, और यहाँ पर जो पुरुषों की बात करें तो यहाँ पर एक्स और वाय गुणसूत्र पाए जाते हैं यहाँ पर पुरुषों में। दोस्तों यहाँ हम 10th क्लास में ही पढ़ चुके हैं, और दोस्तों यहाँ एक बात और, यहाँ पर जब एक्स और एक्स गुणसूत्र मिलते हैं तो यहाँ पर जो है आपका लड़की का जन्म होता है, और जब दोस्तों एक्स और वाई गुणसूत्र मिलते हैं तो यहाँ पर लड़के का जन्म होता है, तो दोस्तों यहाँ पर लड़का और लड़की होने यहाँ पर पुरुष के गुणसूत्र पर निर्भर करता है, ना कि महिलाओं के ऊपर, ठीक है। तो दोस्तों बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अनुवांशिकता से तात्पर्य निम्नलिखित में से किन से है? अनुवांशिकता से तात्पर्य निम्नलिखित में से किन से है? तो सही आंसर है गुणसूत्र तथा जीन से है अनुवांशिकता से तात्पर्य, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42, पुरुषों में सामान्यतः यौन गुणसूत्र होता है, तो दोस्तों यहाँ पर एक्स और वाय गुणसूत्र होता है, और मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ एक्स प्लस एक्स बराबर लड़की और एक्स प्लस वाय बराबर लड़का, ठीक है, प्लस वाय बराबर लड़का, ठीक है। तो दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की, अर्धसूत्रण या मेयोसिस की प्रक्रिया है, अर्धसूत्रण या मेयोसिस की प्रक्रिया है, प्रक्रिया में क्या होता है? दोस्तों इतना सारा ना पढ़ते हुए सीधे आपको आंसर बताते हैं यहाँ पर, तो 43 का आंसर होगा यहाँ पर शा, गुणसूत्र की संख्या में कमी, इसका सही आंसर होगा, ठीक है। ऑप्शन को आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं दोस्तों।
और बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की, अनुवांशिकता के वास्तविक निर्धारक होते हैं। अनुवांशिकता के वास्तविक निर्धारक कौन होते हैं? तो इसके गुणसूत्र जो होते हैं अनुवांशिकता के वास्तविक निर्धारक होते हैं, ठीक है। बालक के विकास में महत्व है, बालक के विकास में महत्व है, वंशक्रम का, वातावरण का, आ और बा दोनों का, किसी का भी नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आ और बा दोनों का जो है बालक के विकास में महत्व रखते हैं। अगला क्वेश्चन, अत्यधिक बाचाल प्रसन्न चित्त रहने वाले तथा सामाजिक प्रक्रिया के धनी व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है, अंतर्मुखी, वर्मुखी, संतुलित, उपर्युक्त, सभी। तो इसका सही आंसर होगा वर ही मुखी इसका व्यक्तित्व होता है। क्वेश्चन नंबर 47, अचेतना मन का अध्ययन किया है, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है, अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है यहाँ पर मनोविश्लेषण विधियों द्वारा, ठीक है, मनोविश्लेषण विधियों द्वारा अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48, समाजमिति द्वारा अध्ययन करने से पता चलता है कि सामाजिकता का पता चलता है, समाजमिति द्वारा अध्ययन करने से, यहाँ पर नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, समाजमिति द्वारा अध्ययन करने से क्या पता चलता है, सामाजिकता का पता चलता है। समाजमिति से सामान्यतः जिन तथ्यों का पता चलता है वह है, समाजमिति से जिन तथ्यों का पता चलता है वह है हमारा, इनमें से तटस्थता, नायक गुण, त्रस्तकृत और उपर्युक्त सभी इसका सही आंसर होगा, ठीक है। तो इन सभी का पता चलता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की, निम्नलिखित में से जो व्यक्तित्व परीक्षा की विधि नहीं है, निम्नलिखित में से जो व्यक्तित्व परीक्षण की विधि नहीं है, तो कौन सी विधि नहीं है इसमें से, निरीक्षण, भ्रमण, शारीरिक परीक्षण, साक्षात्कार। तो इसका भ्रमण इसकी जो है विधि नहीं है। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित में से वह है जो व्यक्तित्व को प्रभावित नहीं करता है, व्यक्तित्व को प्रभावित ना करने वाला क्या है, वंशानुक्रम, वातावरण, देखना, व्यायाम। तो दोस्तों यह तीनों व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं, देखना व्यक्तित्व को प्रभावित नहीं करता है, जो इसका सही आंसर होगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 52 जो आपके लिए आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है और इसका आंसर आपको देना होगा, ठीक है। एक संगठित व्यक्तित्व में जो विशेषता नहीं पाई जाती है, एक संगठित व्यक्तित्व में जो विशेषता नहीं पाई जाती है वह क्या है, सामाजिकता, गतिशीलता, संकल्प शक्ति, झगड़ना जो इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों इसका आंसर मैंने दे दिया, आपको 53वें का आंसर देना होगा, ठीक है। पर्सनैलिटी शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से ली गई है, पर्सनैलिटी शब्द की व्युत्पत्ति ग्रीक भाषा के किस शब्द से ली गई है? तो इसके ऑप्शन में आपको बता देता हूँ, पर्सनल पहला ऑप्शन, पर्सनी दूसरा ऑप्शन, परसोन तीसरा ऑप्शन और पशोनी चौथा ऑप्शन। तो आपको इसका सही आंसर कमेंट करना होगा। और दोस्तों यदि आप अगली वीडियो चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद है दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना, बहुत मेहनत लगती है यार एक वीडियो बनाने में। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नीचे दिख रहे सब्सक्राइब बाय लाल बटन को क्लिक करना, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और पहले से सब्सक्राइब कर लिया है तो दोस्तों इग्नोर कर सकते हैं और बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।